के साधक इकट्ठे होकर सत्संग कीर्तन श्री आशारामायण का पाठ आदि करते हैं। वहां बोले मैं गई और बापूजी का सत्संग टीवी पर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि एक तस्वीर भी इनकी ले चलूं। तो वहां साहित्य का स्टॉल लगा था तो एक तस्वीर ले ली, वहां घर पे पूजा की जगह पर रख दी। अगले दिन सुबह नहा धोकर कृष्ण भगवान की मूर्ति पर चंदन से तिलक किया तो बापूजी के ललाट पर भी तिलक किया। फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठी और थोड़ी देर के बाद आंख खोली तो बापूजी की तस्वीर में ललाट पर जहां तिलक किया था वहां भगवान कृष्ण की छोटी आकृति मुझे नजर आने लगी और मानो भगवान कह रहे हैं, बेटी देख मैंने तुझे पहुंचा दिया सही जगह पर। इसलिए बोले मैं दीक्षा लेने शिकागो से भारत आई हूं। अब पुण्य है और भगवान की कृपा है तो अमेरिका के शिकागो से उसको भारत का अहमदाबाद दूर नहीं लगा, और पुण्य नहीं है और ईश्वर की कृपा नहीं है तो अहमदाबाद में रहने के बावजूद भी गुरु के द्वार पर आकर सत्संग नहीं सुन पाएंगे और दीक्षा नहीं ले पाएंगे। ईश्वर की कृपा नहीं और उस पर भगवान की कृपा है, भगवान मेहरबान है तो वहां से दीक्षा लेने आई। शिकागो से भारत उसको दूर नहीं लगा। बोलो सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरी तजी हो वही विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर संसार में ही राग करते रहते हैं वो, समझो अभागे। एक आदमी मरा, स्वर्ग का दर कहानी है, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा, जल्दी खोलो खोलो साहब दरवाजा खोलो। देवदूत ने दरवाजा खोलकर पूछा क्या बात है, ये कोई टाइम है आने का, जब देखो तब आ जाते हो स्वर्ग में, दरवाजा खटखटाते हो, इस टाइम पे आना चाहिए। बोले ये मेरे को मत बोलो, उस डॉक्टर को बोलो जिसने मुझे पहुंचाया है, दवाई ऐसी दे दी, इंजेक्शन ऐसा लगा दिया नस में, गलत नस में, कई बार कई जानकार ना हो ना गलत नस में इंजेक्शन लगा दे, रोगी को रिएक्शन हो जाए, मर जाए बेचारा। इसलिए घर पे धूप आदि करते रहना चाहिए, रोग के कीटाणु दूर रहे। रात को दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए, त्रिफला हरड़ आदि का सेवन करते रहना चाहिए। कई अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, जिनको मरीजों को लूटने का इरादा नहीं होता, उनकी सेवा का भावना होता है, उनकी बात अलग है। पर कोई कोई जिनके जीवन में पैसा उद्देश्य होता है, ईश्वर उद्देश्य नहीं होता, सेवा उद्देश्य नहीं होता है, पैसा उद्देश्य होता है, तो वो लोग फिर मरीजों को लूटते हैं, बस लाओ 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 लाओ, ये दवा लेकर आओ, ये दवा लेकर आओ, ये दवा ले, महंगी महंगी दवाई लिखे, क्योंकि मेडिकल वाले से कमीशन फिक्स किया हुआ है, ज्यादा महंगी दवा होगी तो कमीशन ज्यादा मिलेगा। आरोग्य निधि पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसमें स्वास्थ्य के बहुत अच्छे अच्छे उपाय लिखे हुए हैं, स्वास्थ्य के मंत्र भी आरोग्य निधि पुस्तक में बहुत लिखे हुए हैं, उसका फायदा आप उठाया करो। और रात को सोते समय जिनकी तबीयत खराब रहती है, रात को दक्षिण में सिर करके सो, मैंने अनुभव किया है, दक्षिण में सिर करके सोने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पाचन खराब रहता है, किसी का पेट खराब रहता है, पाचन कमजोर है, तो दायां हाथ नाभि पर, बायां हाथ उसके ऊपर रखकर भगवत गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, एक ही 15वां अध्याय 14वां श्लोक 7 बार बोलो, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमार्षित प्राणपान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। इसका अर्थ भगवान खुद कहते हैं, अहम श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, अहम माने मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूं और सबका खाया हुआ अन्न मैं ही पचाता हूं। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, हर सबका खाया हुआ अन्न मैं पचाता हूं। तो जिसका पेट खराब रहता ना, भगवान को कह दे प्रभु आपने ही कहा है मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूं और उनका खाया हुआ अन्न मैं ही पचाता हूं, तो मेरा पाचन कैसे खराब हो गया। हे मेरे अंदर बैठे हुए वैश्वानर रूप से प्रभु, आप जरा मेरे इस पाचन को भी ठीक कर दीजिए। आप ही ने कहा है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मार्षित प्राण पान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। 7 बार बोले, पर 7 बार ये बोले और फिर एक तरफ होटल में जाकर पिज्जा खाए और ब्रेड और ये खाए, तो फिर भगवान का श्लोक भी क्या करेगा, तो खाने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि हाँ अब तो उपाय हाथ आ गए, अब तो खूब खाओ और फिर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमार्षित प्राण पान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, ये फिर ना हो।
तुच्छ में विराट को ना गवाया जाए। तो वो आदमी कहता है कि डॉक्टर को पूछना था ना, उसने मेरे को अब पहुंचा दिया तो मैं आ गया। तो देवदूत ने कहा तुम काम क्या करते थे धरती पर? बोले मैं कबाड़ी का काम करता था, पुराना लोहा खरीदता था और बेचता था, ये काम था मेरा। तो देवदूत ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ हिसाब किताब फिर आता हूँ। देवदूत अंदर गया, थोड़ी देर के बाद आया तो देखा वो आदमी गुम है ही नहीं, कहाँ चला गया, इतना शोर मचा रहा था, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, ये गया कहाँ आदमी। ध्यान से देखा तो स्वर्ग का लोहे का दरवाजा भी गुम, स्वर्ग छोड़ दिया, आदत पुरानी थी ना लोहा बेचता खरीदता था, स्वर्ग छोड़ दिया, स्वर्ग का दरवाजा लेकर ही रफू चक्कर हो गया। लोग शूद्र को पाने की लालच में विराट को छोड़ देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, ये बड़ा घाटे का सौदा है। ये कई जन्मों में होता आया है, पर इस मनुष्य शरीर में ईश्वर ने कृपा की जो हमको सत्संग में जाने की प्रेरणा दी और हम बैठते हैं, दीक्षा ली है, कई लेने वाले हैं, और फिर सत्संग सुनकर सबके प्रति भगवत भाव रखकर भगवत भाव से सेवा के कार्य भी करते हैं। जैसे बापू जी की दीक्षा लेने के बाद, सत्संग सुनने के बाद डॉक्टर माला बहन ने हर महीने नियम लिया कि सेवा करनी है। वो अपना कुछ अनुभव एक बताना चाहती हैं, माइक देंगे तो अपना एक अनुभव सुनाएंगे आपको, और वो भी बताना बाबा ने कैसे प्रेरणा दी थी बापूजी से दीक्षा लेने की। कई लोग बाहर से आए सुनेंगे, शेगांव के गजानन बाबा ने इनको प्रेरणा दी थी, माइक देना इनको कि बापूजी से दीक्षा ले लो। ऐसे मुंबई में एक चेंबूर में सेठ रहते हैं, उनको साईं बाबा ने प्रेरणा दी, उन्होंने तो मंदिर बनाया, मैंने वो मंदिर देखा, बहुत बड़ा शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बनाया है, और साईं बाबा ने उनको प्रेरणा दी कि तुम बापूजी से दीक्षा ले लो। हाँ जी, मेरे आत्मस्वरूप, मेरे प्रेम स्वरूप, मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं बापूजी की ऋणी हूँ, मैं हजार जन्म लूंगी तो भी एक गुरु का बदला मैं कभी चुका नहीं सकती। 12 साल हो गए मैंने इसी भूमि में 2 मार्च को दीक्षा ली थी, और उस दिन से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। 78 से 20 साल मैं शेगांव जाती रही, और गजानन महाराज के पारायण है और महाराज की बहुत भक्ति करती रही। कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे गजानन महाराज के दर्शन चाहिए अभी, तो मैं समाधि के पास रातों रात रोते रहती थी। तो महाराज मेरे सपने में आके बताते थे कि तू बापू के पास जा, बार बार महाराज बोलते थे मेरी बात सुनती नहीं क्या, तू बापू के पास जा। तो मुझे लगता था कि बापू सिंधिया में कैसे जाऊँ, मुझे बात होएंगी क्या नहीं, इतनी भीड़ रहती। फिर महाराज बोलते थे मेरा मानती नहीं, मेरे पारायण करती है। तो फिर मैंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद बहुत बहुत अनुभव मुझे हुए। ये गुरुदेव हमारे साक्षात ब्रह्म है, भले अभी लोग कुछ क्या कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप सब लोग और हम भी देखेंगे कि बापू का क्या, 2012 में बापू ने बोला है कि बापू विश्वगुरु होके ही रहेंगे। देखो सच्चाई में बहुत ताकत है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, अपना अनुभव खुद लिखो। दीक्षा के पहले हम कैसे थे और दीक्षा लेने के बाद कैसा कैसा परिवर्तन हो गया, ये खुद का अनुभव खुद ही लो, क्यों पूछने जाना। अगर अपने में परिवर्तन हुआ है तो मानो, नहीं हुआ तो नहीं मानो। मैं बताती हूँ कि मैं पहले कोई दान धर्म वगैरह कुछ नहीं करती थी, किट्टी पार्टी नॉनवेज खाती थी, लेकिन एक गुरु ने क्या कर दिया मालूम नहीं, गुरु साक्षात ब्रह्म है। तो पुष्कर आश्रम में मैं बापू के दर्शन करने गई थी 98 में, तो बापू ने बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुझे बोला कि अनाज बांट, पैसा मैं भेज रहा हूँ, अनाज वितरण कर तू। मैंने ऐसे थोड़ा बहुत अनाज बांटा, तो बापू को बोला था कि ऐसे ऐसे हम लोग ने महिला समिति ने अनाज बांटा, तो बापू ने बोला अनाज बांट, पैसे मैं भेज रहा हूँ पुष्कर आश्रम में। और उस दिन से आज तक ये अनाज वितरण का कार्य 50 लोगों से शुरू हुआ, और एक भी महीना ऐसे नहीं हुआ कि गैप पड़ी हो या ऐसे कोई बोल दे कि किसी को मांगने जाना पड़ा। गुरु के शब्द, गुरु के वचन सही निकले, और ऐसे करते करते आज इतने साल तक अनाज वितरण का कार्य शुरू हुआ। एक बार ऐसा हुआ, करीब 2000 की बात है, तो मेरे पास एक अलग पाउच है जिसमें मैं कुछ पैसे अनाज वितरण के जमा करती हूँ। तो वो पैसे मैंने धान्य को दे दिए, खत्म हो गए, आश्रम में अनाज वितरण हो गया, और मैं निकलने को थी तो एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, और वो बूढ़ी औरत ने मुझे बोला कि मुझे अनाज नहीं मिला है, मुझे दे।
तो मैंने बापूजी की कुटिया की तरफ इशारा करके उसको बोला अब ये भेजेंगे तब मिलेगा, अब सब खत्म हो गया है, पैसा भी खत्म और अनाज भी खत्म, अब ये भेजेंगे तब मिलेगा। आपको कसम खा के बोलती हूँ कि मैं ऐसे बोल के निकल गई और गाड़ी में बैठी, सदर में मेरे साथ जो लोग थे मम्मी वगैरह सब उतर गए और सीधा मैं नर्सिंग होम में आई, मेरा तब छापरू नगर में दवाखाना था, तो वहां आई मैं। और जैसे मैं वहां आई तो मेरा कंपाउंडर था नरेश, वो नरेंद्र ने मुझे 7,000 रुपये दिए, बोले कोई एक आदमी ये 7,000 रुपये आपको दे के गया है, बोला इसका अनाज वितरण करना। आज तक मुझे मालूम नहीं कि वो कौन से आदमी ने पैसे दे के गया है, और ये गुरुदेव की कृपा ही है जो अच्छे अच्छे कार्य हमसे करवाते हैं। अभी तो बहुत बहुत लोग जुड़े हैं, कोई अपना भेजते हैं महीने में, और ये कार्य गुरु की कृपा से, गुरु के संकल्प से कर चल रहे हैं। तो मेरा सबसे यही विनती है कि गुरु साक्षात ब्रह्म है, साईं बाबा थे तो हम फोटो में देखते थे फटे कपड़े पहन के, आज उधर सोने के सिंहासन बन रहे हैं साईं बाबा के लिए। तो ये क्या है, जब गुरु साक्षात है तो उनको मानना ही अपनी अक्लदारी है, और अपना अनुभव खुद बनो। इतना कह के मैं अपने दोष हरि ओम। साधकों को मिले ऐसे साईं के जीवन में खुशी छा गई, दैवी संपदा आ गई। साधकों को मिले ऐसे साईं, साधकों को मिले ऐसे साईं के जीवन में खुशी आ गई, के जीवन में खुशी आ गई। जब से दर्शन किए तेरे साईं, जब से दर्शन किए तेरे साईं के जीवन में खुशी आ गई, के जीवन में खुशी आ गई। बिना मेरा जीवन अधूरा, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा। लगता है सब सूना सूना, लगता है सब सूना सूना। तुम जो मुझको मिले मेरे साईं, तुम जो मुझको मिले मेरे साईं, मेरे जीवन में महक आ गई, मेरे जीवन में।